Yes, students, in this lecture we'll study the hexadecimal counter program. So let us see what the problem is. We have to write a program which can count from FFH to 00H in a system which is having 0.5 microsecond of clock period, and we have to use a resistor C to set up a 1 millisecond delay between each count. तो अभी तक तो हम लोग जैसे काउंटर डिजाइन करते थे तो हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक या जीरो से एक किसी मैक्सिमम वैल्यू तक काउंट कर रहे थे एंड उसके अकॉर्डिंग डिले कैलकुलेट कर लेते थे. बट इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डिजाइन अ काउंटर विच प्रोवाइड्स अ डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड. So for this we have to apply a reverse engineering here. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यही जो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जिससे कि हमें काउंट मिल जाए. तो अब हमें ये देखना है कि हम लोग लूप के लिए इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज करते हैं. तो ऑलवेज जब भी हम लोग कोई लूप क्रिएट करते हैं तो हम कोई भी एक रजिस्टर ले लेते हैं जिसमें कि हम कोई वैल्यू मूव कर देते हैं. लाइक जैसे यहाँ पे सी रजिस्टर लेने के लिए कहा गया है, वी विल टेक अ रजिस्टर सी एंड एक कोई इमीडिएट वैल्यू. लाइक जैसे यहाँ पर हम 8C वैल्यू मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम इसमें सी में मूव करेंगे एंड फिर हम उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे जंप नॉट जीरो एंड जंप टू दिस अंटिल सी रीचेस जीरो. ये काउंटर हम इस तरह का एक क्रिएट करते हैं. तो इट ऑलवेज रिक्वायर दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट अ डिले. तो जब भी हम ये इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूप की. तो द लूप कंसिस्ट ऑफ दीज टू इंस्ट्रक्शंस ओनली एंड दिस DCRC इंस्ट्रक्शन टेक्स 4T स्टेट्स एंड जंप इंस्ट्रक्शन विल टेक 10/7 instruction. So since we are running this loop so many times, तो हम 7 को negligible मान लेते हैं. Means हम केवल 10 को यहाँ पर consider करते हैं और जो यहाँ पर 3 का difference है उसे यहाँ पर at last हम -3 कर लेते हैं और हम उसे negligible मान करके neglect भी कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि हम जब भी इस डिले लूप की बात कर रहे हैं तो दिस डिले लूप इज टेकिंग टोटल नंबर ऑफ 14T स्टेट्स. ओके, अब नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम. क्योंकि बाकी तो हम जो काउंटर है FFH से 00H वो हम डिजाइन कर लेंगे इसी तरह से डिक्रीमेंट करके, लेकिन 1 मिलीसेकंड का जो डिले हमें लगाना है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम 1 मिलीसेकंड का डिले किस तरह से क्रिएट करेंगे. तो इन द सेम वे वी कैलकुलेट द डिले ऑफ अ लूप, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स हम काउंट को चलाएं कि हमें 1 मिलीसेकंड का डिले मिल जाए. तो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि एक लूप में हमें 14T स्टेट्स की जरूरत है. अब उसके बाद में हम उसको क्लॉक पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द टाइम टू एग्जीक्यूट 1 लूप. देन हम उसे नंबर ऑफ काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट द ओवरऑल टाइम.
तो यहाँ पर जैसे कि हम लूप का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो लूप का टाइम क्या आ जाएगा, 14 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू काउंट, तो लूप का टाइम ये आ जाएगा अगर हमें काउंट पता होगा तो, ठीक है। देन कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस भी हैं, मींस कि इफ वी आर मेकिंग अ डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड बिटवीन ईच काउंट, तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बी में 00h मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि वी हैव टू काउंट फ्रॉम FFH टू 00h, दिस इज द प्रॉब्लम गिवन, ओके। बट इन दिस केस वी आर मूविंग 00h इन रजिस्टर बी, देन हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। बी को डिक्रीमेंट करने की वजह से क्या होगा, बी में पहले 00h लिया फिर इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, FFH आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर हम MVI सी कॉमा काउंट कर रहे हैं और ये डिले लगा रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट डिले लगा रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको डिस्प्ले भी करना है, तो हम डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, बी के डेटा को यानी आफ्टर डिक्रीमेंट जो डेटा मिला है उसको हमने क्या किया, ए में मूव किया और आउटपुट करके डिस्प्ले यूनिट पर हमने डेटा को डिस्प्ले कर दिया। एंड नाउ दिस डिस्प्ले यूनिट विल डिस्प्ले FF और फिर जंप नेक्स्ट करके ये वापस यहाँ आएगा और एक और डिक्रीमेंट करेगा। तो व्हाट दिस प्रोग्राम इज डूइंग इज कि इट इज टेकिंग 00 एज अ इनपुट देन डिक्रीमेंटिंग एंड देन sending this data to output port to display this data and then again it start decrement. तो इस तरह हम FFH से लेकर के 00H तक चले जाएंगे जब तक ये इस decrement B यानी B का जो value है वो 0 जब तक नहीं हो जाएगी। Now अब problem यहाँ पर एक ये आती है, सभी को ये चीज strike करेगी और करनी चाहिए कि हमने यहाँ पर FFH data क्यों नहीं लिया और directly FFH से decrement क्यों नहीं start किया, हमने यहाँ पर 00H क्यों मूव किया, बिकॉज वी हैव टू इनिशियलाइज फर्स्ट FFH देन हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीजन बिहाइंड दिस इज कि हम लोगों को यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और दी गई है कि हमें हर एक वैल्यू को डिस्प्ले भी करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यू को, तो डिस्प्ले यहाँ पर क्या हो, FFH डिस्प्ले हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियली 00H को यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा सो दैट कि आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू क्या हो जाए, बी में FFH हो जाए एंड यही सेम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। आफ्टर दैट फिर ये FF से -1, -2, -3 करते करते कंप्लीट 00 तक काउंट करे, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पर सबसे पहले 00H को मूव किया, ठीक है। तो ये तो ये रीजन हो गया। अब इस डिक्रीमेंट में और उसके बाद जब हम यहाँ पर नेक्स्ट पहुंच रहे हैं, इस ड्यूरेशन में डिले कितना लगना चाहिए, 1 मिलीसेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इट मींस कि हमें यहाँ पर ये जितनी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को लिखना है सो दैट कि 1 मिलीसेकंड का डिले हो जाए। नाउ इसका डिले फिक्स है और इन तीनों इंस्ट्रक्शन का भी डिले फिक्स है। जो हम वेरी कर सकते हैं वो लूप के टाइम डिले को वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द लूप काउंट। तो हम क्या करते हैं, हम ये MVI सी काउंट इसका 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 इतने इंस्ट्रक्शंस का कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम डिले और उसके बाद में जो रिमेनिंग टाइम डिले होगा 1 मिलीसेकंड से माइनस करके उतने डिले का हम लूप यहाँ क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब वापस हम वहां पर चलते हैं जहां हम पहले थे, तो कैलकुलेट द 1 मिलीसेकंड डिले हमें कितने काउंट की जरूरत पड़ेगी। तो लूप का तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, नाउ जो रेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनका भी हम डिले कैलकुलेट कर लें कि इसका डिले कितना है। तो इनकी टी स्टेट्स पहले कैलकुलेट की, 35 टी स्टेट्स और 35 टी स्टेट्स को 0.5 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 माइक्रोसेकंड आएगा। तो डिले इन लूप मिल गया और डिले आउटसाइड लूप मिल गया।
and now this value and this value together should make 1 millisecond as per the problem given in question. तो हमें क्या करना होगा, हमें total time delay कितना पता है, 1 millisecond पता है. T naught और TL हमने calculate कर लिया है. Now the unknown parameter is only कि count how many times loop will execute. तो ये count हमें मिल जाए कि कितना count हमें यहाँ पर चाहिए. तो इसे जब हम calculate करेंगे तो it will come 140. तो हमें 140 count यहाँ पर करना होगा, means 140 times loop को run करना होगा. अब 140 times loop को अगर run करना है तो हमें इसका equivalent hexadecimal number चाहिए होगा, because हम register में जो value store करेंगे वो hexadecimal number store करेंगे base 16. जैसे in previous case हम लोग क्या करते थे कि हमें register का data पता होता था और हम जब loop count calculate करते थे तो उसे decimal में convert करते थे. तो now we are having value in decimal and we have to convert this value into hexadecimal. And जब हम इसे hexadecimal में convert करेंगे, it will come 8C. It means कि हमें register C में जो value move करानी है, वो 8C move करानी होगी और फिर इसको decrement करेंगे, तो हमें 1 millisecond का complete delay यहाँ पर मिल जाएगा. Now moving to the program again. तो अब यहाँ पर ये जो काउंट की वैल्यू दी हुई है वो काउंट वही लिखा हुआ है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है. तो यहाँ पर हमें काउंट की जगह क्या लिखना होगा, 8C लिखना होगा और 8C को हम C में मूव कराएंगे, देन डिक्रीमेंट करेंगे एंड सो ऑन. एंड नाउ दिस प्रोग्राम विल काउंट फ्रॉम FFH टू 00 एंड द डिले बिटवीन ईच काउंट विल बी 1 millisecond. ओके, एंड there is a correction in this book that यहाँ पर जो written है C की value वो 80 written है. तो इसको आप यहाँ पर change कर लीजिएगा कि ये 8C value होनी चाहिए as we calculated. Okay, तो this is a program for hexadecimal counter. If you have any questions you can ask. तो अब अगर किसी भी प्रोग्राम में आपसे ये कह दिया जाए कि आपको जो डिले है लाइक जैसे 1 millisecond है या कोई अदर वैल्यू गिवन है तो उतना डिले आपको क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ से इसी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले आप एक जनरलाइज प्रोग्राम लिख लीजिए कि क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एंड डिले के लिए लूप सेम लगेगा, बस सी कॉमा काउंट जो लिखेंगे तो उस काउंट को हम इनिशियली एज अ वेरिएबल लिख देंगे, बिकॉज जब तक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिख जाएगा हमें टू स्टेट्स नहीं पता चल जाएंगे तब तक हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते. एंड दिस कैलकुलेशन इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, इट इज नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन. बिकॉज समटाइम्स क्या है कि लाइक जैसे हम यहाँ से एक भी इंस्ट्रक्शन को यहाँ से हटा दें, BCRB को हटा दें, तो इट इज टेकिंग जस्ट 4 T states एंड 4 T states का मतलब हो गया 4 × 0.5 microseconds और 4 × 0.5 microseconds will be 2 microseconds and 2 microseconds will not affect 1 millisecond that much कि हम यहाँ पर ये कहें कि हाँ हमारी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट है. तो 1 millisecond में कुछ माइक्रोसेकंड्स की वैल्यू जो है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. तो दैट इज वाई हम जब भी यहाँ पर आंसर लिखते हैं या कोई भी डिले की बात करते हैं तो वी ऑलवेज कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली. आप देख रहे हैं अभी तक तो यहाँ तक तो इक्वल का साइन यूज किया था, बट जब यहाँ कैलकुलेशन किया गया तो इट इज नियरली इक्वल टू 140. बिकॉज हम इसमें अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू कर जाए तो इट विल कम विद डेसिमल, कि ये डेसिमल के साथ में वैल्यू आएगी. डेसिमल के साथ वैल्यू आएगी तो हमें उसका हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल वैल्यूज चाहिए होगी.
जब डेसिमल वैल्यूज पे आ जाएंगे तो योर प्रोग्राम विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए फिर हमें कुछ अलग स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, तो वो वहां तक हमें नहीं जाना है। दैट इज वाई हम यहाँ पर नियरली इक्वल्स टू लेते हैं, राउंड फिगर में वैल्यू ले ली, सो दैट कि ये इजिली कन्वर्ट हो जाए हेक्साडेसिमल में, प्रोग्राम को इजिली लिख पाए एंड उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो अब जो नेक्स्ट है प्रोग्राम, दैट इज मॉड्यूलो 10 काउंटर, मॉड्यूलो 10 काउंटर का मतलब है कि इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 9। तो जहां पर भी इस तरह से मॉड्यूलो काउंटर की बात करते हैं तो ये एक वैल्यू लेस तक काउंट करता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम काउंट, इट स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 0 to the given value. तो modulo 10 की बात की है तो it will count 10 values, और 10 values अगर हम 0 से start करेंगे तो हम 9 तक count करेंगे तो total 10 values होते हैं। इसी तरह से अगर हम modulo 15 की बात कर रहे हैं तो modulo 15 counter क्या करेगा, it will count from 0 to 14. तो total number of values जो count की जाएंगी वो ये रिप्रेजेंट करता है जब भी हम मॉड्यूलो काउंटर लिखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन। So we have to write a program to count from 0 to 9 as given here with a 1 second delay. ठीक है, this is an important point कि यहाँ पर अब हमें 1 second delay की बात कर रहे हैं between each count, and at the count of 9 the counter should reset itself to 0. मीन्स कि हम जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ये 9 तक पहुंचे, 9 के बाद में ये क्या करे, वापस अपनी वैल्यू को काउंटर 0 कर दे और फिर से 0 से ही काउंट कर दे एंड रिपीट द सीक्वेंस कंटिन्यूअसली। यूज रजिस्टर पेयर HL टू सेट अप द डिले। तो अब डिले के लिए हमें कौन सा रजिस्टर पेयर यूज करना है, HL यूज कर। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल रजिस्टर का यूटिलाइजेशन कर रहे थे काउंटिंग के लिए, बट यहाँ पे हमें HL रजिस्टर पेयर दिया है, तो ये भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड डिस्प्ले द ईच काउंट एट वन ऑफ द आउटपुट पोर्ट। तो हर एक काउंट के बाद हमें डिस्प्ले भी यूज करना है, डिस्प्ले भी वैल्यू करनी है, बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम यहाँ से क्लॉक पीरियड भी कैलकुलेट कर ले। नाउ अब हमें यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर दिया है, तो हम जब डेटा को मूव करेंगे तो हम MVI इंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज MVI इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 बिट के लिए है, और 16 बिट का अगर हमें डेटा लोड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, LXI इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर HL को काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर LXI इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, एंड क्योंकि हम 16 बिट का काउंटर यूज कर रहे हैं इसलिए हमें डिक्रीमेंट के लिए भी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी, जो कि है DCX इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट अ 16 बिट रजिस्टर वैल्यू। जो अभी तक हम DCR यूज कर रहे थे वो 8 बिट के लिए यूज होती। ऐसे ही
INX वैल्यू यूज होगी 16 बिट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। अब यहाँ पर हम लोग काउंटर के लिए 16 बिट का यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बताया कि वी हैव टू क्रिएट अ डिले ऑफ 1 सेकेंड एंड माइक्रोप्रोसेसर के टर्म्स में 1 सेकेंड का डिले इज टू लार्ज। हम 1 सेकेंड का डिले 8-bit रजिस्टर के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते। बिकॉज आपने देखा होगा कि हमने जो पहला प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, सी में FFH मूव किया था और फिर इसको 0 तक काउंट किया था, DCR C यूज किया था और फिर हमने जंप यूज किया था JNZ और वापस यहाँ जंप कर रहे थे डिक्रीमेंट पे। तो हमने यहाँ पर जो डिक्रीमेंट किया था तो हमने सी में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर की थी जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है 8-bit की और उसको हमने 0 तक काउंट किया था एंड जो डिले हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वो कितना आया था 1783। ये डिले कैलकुलेट कर पाए थे हम, आई थिंक इट वॉज इन माइक्रो सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड में बात करेंगे तो 1.78 मिली सेकेंड ये वैल्यू आई थी। तो 8-bit का अगर हम काउंटर यूज कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अचीव 1 सेकेंड डिले, तो दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे 16-bit का काउंटर यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम गिवन होती है तो आपको थोड़ा सा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि कितना डिले गिवन है एंड दिस डिले कैन बी अचीव्ड बाय 16-bit रजिस्टर और बाय 8-bit रजिस्टर, बिन काउंटिंग 16-bit रजिस्टर और 8-bit रजिस्टर। So that is why we require instructions which are related to 16-bit data operation. Okay, now coming to the program. अब हम क्या करेंगे? Start करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? 00H को B में move कर दिया और इसको तुरंत display कर दिया। So it will show कि हम 0 से counting start कर रहे हैं। Now, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने पहला काउंट तो डिस्प्ले कर दिया। नाउ बिफोर डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट काउंट हमें क्या करना है, हमें 1 सेकंड का डिले करना है। तो हम 1 सेकंड का डिले लगाते हैं और उसके बाद में फिर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो नाउ अब हमें बी में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हमने अब काउंटर लगाया, काउंटर के लिए LXIH किया और 16-bit का यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे। अब ये डेटा कितना बड़ा होगा ये अभी नहीं डिसाइडेड है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कितना होगा डेटा। ठीक, 16-bit का डेटा अगर यहाँ पे करेंगे मूव और फिर हम H में डिक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट तब तक करते रहेंगे जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, सो दैट कि हमें कंप्लीट डिले यहाँ पर मिल जाए। नाउ अगेन हम लोग ये जानते हैं कि DCX इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट फ्लैग्स एंड वी हैव टू चेक दिस कंडीशन एंड जंप टू दिस लूप। तो जंप इफ नॉट जीरो कंडीशन चेक करने के लिए हमें फ्लैग को सेट या रीसेट करना पड़ेगा, मींस इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फ्लैग की डिपेंडेंसी क्रिएट करनी होगी। तो हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये तरीका अपनाते हैं। जब भी हमें DCX इंस्ट्रक्शन गिवन होगी तो हम ऑलवेज MOV A L और ORA H यूज करेंगे सो दैट कि हम फ्लैग्स को सेट या रीसेट कर सकें।
बिकॉज इसके इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग सेट या रिसेट नहीं होंगे, बस बट इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग सेट या रिसेट होंगे बिकॉज दिस इज एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन विच अफेक्ट्स द फ्लैग्स. ये कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को कल बताया है या नहीं, क्या कोई बता सकता है? तो व्हाट दीज इंस्ट्रक्शन डू इज की डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं एच में, इट मींस एच एल पेयर में डिक्रीमेंट कर रहे हैं. अब मूव ए कॉमा एल से क्या होगा कि इस एल के डेटा को हमने किस में मूव कर दिया, एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया. और उसके बाद जब हम ओ आर ए एच करेंगे तो यहां पर ए का डेटा जो कि एक्चुअली एल का डेटा है इसका हम और करेंगे एच के साथ. एंड हमें इस जीरो फ्लैग को सेट भी करना है जब रिजल्ट जीरो आ जाए. तो जब एच और एल दोनों ही रजिस्टर्स में वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी, ओनली इन दिस केस जीरो और जीरो विल क्रिएट जीरो, अदरवाइज वैल्यू नॉन जीरो रहेगी. और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब एच एल में जीरो जीरो हो जाए तब ये जीरो फ्लैग सेट हो जाए. तो और ऑपरेशन का रिजल्ट भी जीरो तभी आएगा जब दोनों ही एच और एल में वैल्यू जीरो जीरो हो जाएंगी, मींस डिक्रीमेंट करते करते वैल्यू जीरो हो जाए तब ये फिर लूप बाहर आ जाएगा. बाहर आने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब ये तो हमने यहाँ से डिले क्रिएट कर दिया. आफ्टर दैट अब हम क्या यहाँ पर डिजाइन क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो 9 काउंटर. तो जीरो के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वन यहाँ पर डिस्प्ले करना है. तो वन के लिए हम क्या करेंगे, INR B करेंगे. INR B विल एड वन टू दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू और उसके बाद में हम इसको एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे. एक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद में यहां पर हम CPI0AH इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं. तो CPI AH इंस्ट्रक्शन, CPI0AH इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इट विल कंपेयर एक्यूमुलेटर डेटा विद 0A. तो 0A का मतलब क्या हो गया, इट विल रिप्रेजेंट 0 एंड ए का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 10. इस डेटा के साथ में हम उसको कंपेयर कर देंगे. कंपेयर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा एंड सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में जाएगा और जंप टू दिस डिस्प्ले एंड इट विल डिस्प्ले द नेक्स्ट वैल्यू. ठीक, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी वो हम अभी आगे देख लेते हैं. और यहाँ पर 16 बिट वैल्यू क्या होगी एज पर डिले वो हम उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि क्या है. तो डिले कैलकुलेशंस आर गिवन, आप बिल्कुल प्रीवियस इसकी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे. तो सबसे पहले लूप का डिले देख लेंगे. तो लूप का डिले क्या होगा, 24, फिर टी कितना टाइम जो है गिवन है वहां पर और फिर काउंट. तो 1 सेकेंड का डिले दिया है, 24 हो गया और ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया 1/f से और काउंट. नाउ हम यहाँ पर काउंट कैलकुलेट कर लेंगे. काउंट कितना आ जाएगा, 41666 इन डेसिमल. और इसको जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस नंबर को, ये नंबर आ जाएगा हेक्साडेसिमल. एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने बाकी जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उनको कंसीडर नहीं किया है. एंड कंसीडर नहीं करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब हम 41,666 बार लूप को चला रहे हैं तो उसमें जितनी भी रिमेनिंग टी स्टेट्स हैं, जितने भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी शायद 40 टी स्टेट्स होंगी या 50 भी टी स्टेट्स होंगी. तो फॉर एग्जांपल अगर हम 50 को भी 1 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल कम 50 माइक्रोसेकंड.
एंड 50 माइक्रोसेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड में क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा 50 माइक्रोसेकंड का? नो, दैट इज वाई उन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया, हमने डायरेक्टली लूप के ही डिले को कैलकुलेट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही हम इस वैल्यू को HL रजिस्टर पेयर में मूव करेंगे एंड दिस इस वैल्यू को मूव करके डिक्रीमेंट करेंगे तो इट विल क्रिएट अराउंड 1 सेकंड ऑफ डिले. अगेन दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट विल नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेट 1 सेकंड. ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर गिवन भी है कि अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड डिले बिटवीन टू पॉइंट्स. तो वी ऑलवेज यूज दिस अप्रोक्सीमेट वर्ड बिकॉज एग्जैक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, ये देखिए ये टोटल डिले कैलकुलेट किया गया. ठीक है, तो ये काउंटर कैलकुलेशन की टेक्निक है. तो नेक्स्ट फिर रोटेट इंस्ट्रक्शंस हैं, रोटेट इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो ये क्वेश्चन आपको ट्यूटोरियल शीट में भी मिलेगा. एंड दिस प्रोग्राम इज कि वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव विद पीरियड ऑफ 500 माइक्रोसेकंड एंड अज्यूम द सिस्टम क्लॉक पीरियड इज 325 नैनोसेकंड. ठीक है, तो सिस्टम क्लॉक का पीरियड गिवन है 325 नैनोसेकंड एंड हमें जो स्क्वायर वेव क्रिएट करनी है वो 500 माइक्रोसेकंड की क्रिएट करनी है. तो स्क्वायर वेव कैसी होती है? स्क्वायर वेव इज लाइक दिस. तो इस तरह की स्क्वायर वेव हमें क्रिएट करनी है और इस स्क्वायर वेव को क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डी नॉट बिट का यूटिलाइजेशन करना है. मतलब कि हम जब आउटपुट पे जो आउटपुट डेटा देंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ डी नॉट का आउटपुट जाना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही ये पल्स आएगी. तो डी नॉट की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, हमें डी नॉट को आउटपुट पे देना है और डी नॉट की वैल्यू को 1010 इस तरह से डिस्प्ले करना है. और 1010 को अगर आप इसकी वेवफॉर्म देखेंगे लाइक जैसे सीआरओ कनेक्ट करके या कैसे भी, तो 1 विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव 5 वोल्ट एंड 0 विल रिप्रेजेंट 0 वोल्ट. अगेन 1 विल रिप्रेजेंट 5 वोल्ट एंड 0 विल रिप्रेजेंट 0 वोल्ट. तो इस तरह से ये एक स्क्वायर वेवफॉर्म बन जाएगी. ठीक है, बट इस स्क्वायर वेवफॉर्म का जो पीरियड होना चाहिए वो कितना दिया हुआ है? 500 माइक्रोसेकंड. तो अब 500 माइक्रोसेकंड गिवन है, तो अब हमें जब ये डिस्प्ले कराएंगे जब भी वैल्यू, तो हमें इसके अकॉर्डिंग डिले देना पड़ेगा कि एक बार डी नॉट की वैल्यू आ गई तो ये उतने टाइम के लिए रहे जो गिवन टाइम है और उसके बाद फिर ये वैल्यू जीरो. तो ये बिल्कुल उसी काउंटर की तरह है कि बिटवीन टू काउंटर्स वी हैव टू क्रिएट अ डिले हियर. तो अब यहां पर हम रोटेट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रोग्राम. तो स्टूडेंट्स आप लोग रिज्वाइन करिए क्लास, तो फिर हम
प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में।